हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमने आपको 8-8 अंक के समाकलन के 5 प्रश्न आपको दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, समाकलन में से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। जब आप पेपर देखोगे तो बताया है मैंने, पेपर में 8-8 नंबर के प्रश्न आते हैं, 6 जिसमें से 3 करने होते हैं, प्रश्न संख्या 7, 8, 9। तो उसमें हम एक सीरीज चलाएंगे। अब इसमें ये पहला प्रश्न है और आज से इस सीरीज में केवल 8-8 नंबर के प्रश्न कराए जाएंगे और एक और सीरीज इसके साथ में चलेगी जिसमें हम 5-5 अंक के प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं समाकलन के प्रश्न से, क्योंकि समाकलन के 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 8-8 नंबर के, जिसमें से एक करना होता है। तो और मैंने समाकलन के पूरे समाकलन से मात्र 5 से 6 प्रश्न छांटे हैं जो मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा आप वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पहला सवाल 8 नंबर का, इस सीरीज का 8 अंक वाले प्रश्न, एक नई सीरीज रहेगी जिसमें बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो प्रश्न आएंगे 8-8 नंबर में वो सारे करा दूंगा मैं बोर्ड पर, ठीक है। तो पहला प्रश्न, 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये वाला प्रश्न है और ये सिद्ध करना है आपको, पाई बट्टे 8 log 2 ये सिद्ध करना है। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे बहुत कम बार आया है, ये केवल 2007, 9, 13, 15 और कितने 22, ठीक है, इसमें आया है। लेकिन इसके साथ साथ ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है, और 16, 19 और 20 में भी आया है। ये किस तरह से आया है, वो आया है इस तरीके से कि log 1 प्लस 10x dx 0 से π/4। तो ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न अलग अलग नहीं है, एक ही प्रश्न है। ये इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो रस्ते में ये वाला बन जाएगा, कैसे बनेगा वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पहले इसको यहां से स्टार्ट करना सीखें, क्योंकि हम यहां से करा दें आ ऐसे जाए तो आप तो कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूज में ऐसे हो जाओगे सवाल करके नहीं आओगे तो 8 नंबर बेकार हो जाएंगे। इसलिए हर तरह से सीखो, सवाल को पहले मैं यहां से कराना स्टार्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो सॉल्यूशन, सवाल आपको मिला है, मैं आई मान ले रहा हूं, आई बराबर इसको 0 से 1 और ये दे रखा है log 1 प्लस एक्स अपॉन नीचे दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका dx, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, मानेंगे जब भी कभी इस तरीके का सवाल दिखाई दे, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो हमेशा और हमेशा x की जगह पर आप क्या मानोगे, 10। x की जगह पर क्या मानोगे, 10। हमेशा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो वहां पर x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 10, 10t कर दो, 10x कर लो, जो भी है। तो मैं यहां पर मान ले रहा हूं, माना x बराबर मैंने 10t, क्योंकि कुछ रख के कर रख करा जाएगा तो नीचे ऐसा दिखाई दे, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो यहां पर x की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा मानोगे, या साइन टी या कॉस टी मानोगे, तो यहां पर 10t मान लिया। तो अब इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा, तो x का अवकलन करेंगे यहां पर dx हो जाएगा, इसका 10t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा, साथ में हम यहां पर क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे, बस दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, इधर dx लगाते हैं इधर dt लगाते हैं, x का अवकलन 1 साथ में dx आ गया, 10t का अवकलन sec स्क्वायर t साथ में dt आ गया। हमेशा ऐसा ही करना है, ये चीज तो हमेशा याद रखो, इधर dx इधर dt, बाकी इधर का अवकलन इधर, इधर का इधर, ठीक है, चलिएगा, ओके, ये हो गया। अब यहां पे हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, हमको क्या लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे हम, कि ये देखिए, ये x के अकॉर्डिंग लिमिट दे रखी है, जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई, जब x बराबर 0 लेंगे तो t बराबर भी यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t बराबर भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जब x बराबर 1 लेंगे तब t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भाई, जब मैं यहां पर x बराबर 1 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10t, ऐसे हो जाएगा 10t बराबर 1, और 10t में 10 1 कितने का होता है, 10 45,
टेन टी, देखिए यहां पर एक्स की जगह पर जीरो लेंगे तो टेन टी, तो टेन जीरो का मान जीरो होता है, तो टेन एक्स बराबर जीरो तो टी बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब मैं एक्स बराबर वन लूंगा तो तब क्या हो जाएगा, टेन टी बराबर वन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो चीज को। जब टेन टी बराबर वन हो गया तो यहां से टेन में वन कितने का मान होता है, टेन पैंतालीस का, तो टेन टी वन की जगह पर टेन पैंतालीस रख दिया, पैंतालीस को पाई बट्टे फोर बोलते हैं, टेन से टेन कट जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा, पाई बट्टे फोर। अब आपके दिमाग में ऐसा होगा, सर ऊपर वाला ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे ही किया, जरा सोचो, देखिए ऊपर वाला ही मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि जब एक्स बराबर जीरो तो तब क्या हो जाएगी, तब की कंडीशन जब एक्स बराबर जीरो तो ये हो जाएगा टेन टी बराबर जीरो, तो टेन टी, टेन में जीरो कितने का मान होता है, टेन जीरो का मान ही जीरो होता है, टेन से टेन कट जाएगा तो इसका मतलब टी बराबर जीरो आ गया, यहां पर टी बराबर जीरो है। और जब एक्स बराबर वन लिया तो टेन टी बराबर वन, और वन कितने का होता है, टेन एक पैंतालीस का, तो टेन से टेन गई है, तो अब लिमिट क्या बन गई। अतः अब ये जो सवाल है आपका, अब कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, आई बराबर समाकलन जीरो, एक्स की लिमिट जब जीरो थी तो टी की कितनी हो गई, जीरो, एक्स की लिमिट वन थी तो टी की कितनी हो गई, पाई बट्टे फोर, ठीक है। ऊपर आपका लॉग वन प्लस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो गया, नीचे वन प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स की जगह पर, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस डी एक्स की जगह पर, डी एक्स की जगह पर आ गया ये, सॉरी टेन एक्स नहीं, एक्स की जगह पर क्या, टेन टी, टेन टी, तो ये भी टेन स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर टी इंटू टी, टी ये आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सवाल अब इस तरीके का हो गया, आई बराबर जीरो से पाई बट्टे चार, देखिएगा ये लॉग वन प्लस टेन टी अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू, और यहां पे क्या है ऊपर, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस सेक स्क्वायर टी से सेक स्क्वायर टी कट गया, तो आई बराबर आ गया जीरो से पाई बटे फोर लॉग वन प्लस टेन टी इंटू डी टी, ये आ गया, समझ में बात नहीं आई। तो ऐसा ही तो सवाल बनना था, यहां पर एक्स था तो आपको पता है कि भैया जीरो से एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो जीरो से ए एफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं, मतलब एक्स को यदि आपने टी कर दिया तो डी एक्स को डी टी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टी को, तो टी को एक्स कर देंगे तो हमें डी टी को डी एक्स करना पड़ेगा, तो इसीलिए अतः इसके अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बटे फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, बात वही आ गई भाई, लिमिट से कोई चेंज नहीं करती है, समाकलन की प्रॉपर्टी है, एक्स को यदि आपने टी मान लिया तो डी एक्स को डी टी करना पड़ेगा, बस कर दिया। ऐसा भी सवाल कभी कभी आता है, तो यदि यहां से मिले तो इतना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यदि यहां से मिल जाए तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आई बात। अब कोई सवाल मान लीजिए यहीं से मिला डायरेक्ट, अब यहां से आगे क्या करेंगे, इसको समीकरण, जगह कम होने के कारण मैंने ये मिटा दिया है, अब आपको समझ में आ गया I वाला कॉन्सेप्ट, के I बराबर जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये कहां से आया, उसको सॉल्व करके, इस वाले सॉल्व, यानी कि यहां पर क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाली चीज को हमने सॉल्व किया इतने को, तो ये आ गया यहां से। कोई कोई सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं यहां से फिर से बता रहा हूं, यहां से सॉल्व करना आप सीख गए, अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज है, यहां को समीकरण एक मान लिया, यहां से बाद में फिर समाकलन की एक और प्रॉपर्टी का यूज होगा, यदि जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स आपको दे रखा है, तो हम वहां पर जीरो से ए एफ एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ये भी समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है, जीरो से एक्स की जगह पर हम ए माइनस एक्स ये रख सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग वन प्लस
अब ये टेन एक्स थी, अब इस एक्स की जगह पर मैं क्या रखूंगा, ए माइनस एक्स, इस एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स, ए की जगह पर क्या पाई बट्टे फोर, तो मैं यहां पर लिख दूंगा पाई बट्टे फोर माइनस एक्स, ये लिख दूंगा। ठीक है, ये क्यों लिख दिया, क्योंकि समाकलन की ऊपर वाली हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी और ये हमने बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा दिया इनटू डीएक्स। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, एक्स था, इस एक्स की जगह पर पाई बट्टे फोर माइनस एक्स रख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है, नहीं होता, चलिएगा। तो अकॉर्डिंग दिस आई इजकल टू जीरो से पाई बट्टे फोर और लॉग ब्रैकेट वन प्लस, ये फॉर्मूला टेन ए, टेन पाई बट्टे फोर माइनस टेन बी एक्स, नीचे वन प्लस, वन प्लस टेन ए यानी टेन पाई बट्टे फोर इंटू इंटू टेन बी टेन एक्स, इस तरह से इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब ये टेन पाई बट्टे फोर यानी कि टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है वन, तो ओवरऑल देखा जाए तो आई इजकल टू जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग, ये कितना हो जाएगा वन प्लस, ऊपर हो जाएगा आपका ये वन माइनस टेन एक्स और नीचे वन प्लस टेन एक्स। ऐसा क्यों हो गया, आपको पता चल गया, टेन पैंतालीस का मान वन माइनस ये टेन एक्स, ये वन प्लस टेन पैंतालीस का मान वन, वन की मल्टीप्लाई टेन एक्स में करेंगे टेन एक्स, नीचे वन प्लस टेन एक्स है तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो आई इजकल टू जीरो से पाई बट्टे फोर और नीचे आपका ये लॉग, नीचे हमने एलसीएम ले लिया वन प्लस टेन एक्स, ये हमने एलसीएम ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टेन एक्स की मल्टीप्लाई वन में हो जाएगी, तो वन प्लस टेन एक्स और ये वाली चीज वन माइनस टेन एक्स जो करते हो, वन माइनस ये टेन एक्स जो करते हो, ये इंटू डी एक्स ये चीज है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, इस टेन एक्स से ये टेन एक्स कट गया, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो I इजिकल टू जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग, ये यहां पर कितना आ जाएगा, ऊपर दो नीचे वन प्लस टेन एक्स इंटू ये डी एक्स हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिएगा, कौन सी वाली, लॉग m अपॉन n होता है तो लॉग m माइनस लॉग n लिख देते हैं। तो I इजिकल टू जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग दो माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स, इस तरीके से लिख जाएगा ब्रैकेट पूरे में इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि हम इस वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाली को, ये चीज अलग है। अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे हम, तो आई इजकल टू ये जीरो से पाई बट्टे फोर, ये हो जाएगा लॉग दो माइनस जीरो से पाई बट्टे फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स यहाँ पे भी लगा देंगे इसमें माइनस। ठीक है, मतलब ये लॉग दो का अलग समाकलन, इस वाले का अलग समाकलन, बीच में माइनस, जीरो से पाई बटे दो ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे ये वाली चीज समीकरण एक से, समीकरण एक से ये सेम टू सेम है, जीरो से पाई बटे फोर लॉग, ये समीकरण एक से, तो समीकरण एक से ये वैल्यू कितने की, आई की, तो आई इजिकल टू इस लॉग दो को मैं बाहर ले ले रहा हूं, पहले लॉग दो को बाहर ले लिया, तो जीरो से पाई बट्टे फोर यहां पर कुछ नहीं बचा, यानी कि वन मान सकता हूं मैं, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई भाई बात तो ही है, वन की मल्टी लॉग दो की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग दो ही रहेगा, तो ये वन मान लिया इंटू माइनस, और ये पूरा समीकरण एक से आई हो गया। ये वाली चीज आई इधर आ जाएगी तो ये आई प्लस आई हो जाएगा बराबर, ये लॉग दो और इसका वन का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो एक्स हो जाएगा, ये जीरो से पाई बट्टे फोर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वन और वन टू हो जाएगा, टू आई इजिकल टू लॉग दो, इसमें यहां पर पाई बट्टे फोर, एक बार एक्स की जगह पर पाई बट्टे फोर माइनस एक बार जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा टू आई इजिकल टू लॉग दो, लॉग दो इंटू पाई बट्टे फोर। ठीक है, दो की इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं, टू आई बराबर पाई बट्टे फोर इंटू लॉग दो।
अब दो की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो आई इज इक्वल टू पाई बट्टे आठ लॉग दो इस तरह से। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी ना, करनी थी प्रूफ, यही चीज हमको निकालनी थी कि इसको हमने आई मान लिया था तो आई बराबर हमको पाई बट्टे आठ लॉग दो ये सिद्ध करना था, यही इसका उत्तर हो गया। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर दो बातें हैं, इनको याद रखिएगा, एक समाकलन की ये वाली प्रॉपर्टी और पुराना वाला, जहां पर वन प्लस एक्स स्क्वेयर है तो वहां पर हमको एक्स की जगह पर टेन एक्स मानना है, ठीक है। चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर 8 नंबर का दूसरा सवाल मैं तत्काल प्रभाव से अभी कराता हूँ, तुरंत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 8-8 नंबर के सवालों को और सॉल्व कराऊंगा मैं। ये वाला प्रश्न भी 2010 से लेकर लगातार आ रहा है, 8वें नंबर में ये मैंने सवाल दे रखा था, 5 सवाल जो दिए थे 8-8 नंबर के, चलो उन 5ों को भूल जाओ, इस सीरीज में हम 8-8 नंबर के ही करा रहे हैं, तो ये दूसरा सवाल है। इस टाइप के 20 सवाल कराऊंगा लगभग मैं, और इन 20 से अलग एक भी सवाल नहीं आएगा, जो 6 सवाल बोर्ड में आएंगे वो 20 के 20 में से ही आएंगे, 20 में से नहीं आएंगे, एक अध प्रश्न बदल जाएगा, तो ऐसा समझ लीजिए इनको कर लोगे तो उनको तुम करोगे, क्योंकि ये मैं हर तरीके का सवाल करा दूंगा, हर कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा, जब इस तरीके से आपको दिखाई दे, ठीक है, तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम इसको आई मान ले रहे हैं, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, आई बराबर हम 0 से π/2 1/(1+cot(x) अंडर रूट, ये कॉट को क्या बोलते हो आप, कॉस बट्टे साइन, चलो लिख दीजिएगा 0 से π/2 1/(1+√)। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर ये 0 से π/2 1/(1+√)cos(x) √sin(x)। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिया है केवल, ठीक है। नीचे वाले में मैं एलसीएम ले ले रहा हूं, पाई बट्टे दो, नीचे वाला मैंने एलसीएम ले लिया √sin(x), √sin(x) मैंने एलसीएम ले लिया, तो √sin(x+√cos(x) इंटू ये हो जाएगा डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं ऊपर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 और इस तरीके से आ जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स, नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये साइन एक्स में बदल गया, टेन एक्स हो कॉट एक्स हो, यहां पर टेन एक्स भी आ सकता है, यहां पर कॉट एक्स भी है, अब ये बदल गया। सवाल यहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई कोई सवाल सीधे यहीं से स्टार्ट होता है कि ये 0 से π/2 √sin(x/√cos(x)(π/4) सिद्ध करना है। ये सवाल यहां से आपका 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 वाले में तो आपके दो बार आया, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा, और ये वाला सवाल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है। और ये कई मतलब कईयों बार आया है, ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा यूं कहिएगा 2010 से लेकर अब तक जितनी बार भी पेपर हुए हैं, हर बार किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए यहां से बात में हम कौन से वाले समाकलन की प्रॉपर्टी fx इंटू dx है, तो हम किस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 0 से a x की जगह पर a-x, इस x की जगह पर a-x रख देंगे, तो आता है 0 से π/2 ये अंडर रूट साइन, साइन की जगह पर साइन एक्स, एक्स की जगह पर π/2 -x, यानी a माइनस एक्स, एक्स की जगह पर a-x रख सकते हैं, एक की जगह पर ये π/2 है तो π/2 -x, नीचे साइन π/2 -x, फिर प्लस अंडर रूट कॉस π/2 -x इंटू डी एक्स, ये है बस, यही अटपटा सी चीज है। अब आप जानते हो 0 से π/2 है ना, अंडर रूट साइन 90 - π/2 का मतलब 90, साइन 90 - θ कॉस थीटा, तो अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ये अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये साइन क्यों हो गया, साइन 90 - x 90 - θ कॉस थीटा, कॉस 90 - θ साइन थीटा, ये आ गया।
इसको आप समीकरण दो बोलिए, ठीक है। अब समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, इन समीकरण को, समीकरण एक कहां है ये देख और समीकरण दो कहां है ये देख, तो आई और आई की तरह हो जाएगा, इधर टू आई हो जाएगा फिजिकल टू, ये जीरो से पाई बट्टे दो अंडर रूट साइन एक्स, नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, फिर प्लस जीरो से पाई बट्टे दो, ये है आपका अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो चीजों को, ये साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है, ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक है। चलिएगा तो अब ये टू आई बराबर अब जीरो से पाई बट्टे दो फिर ब्रैकेट, ठीक है, ये है आपका अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स फिर प्लस, मैंने क्या किया जीरो से पाई बटे दो बाहर निकाल दिया, इधर डी एक्स बाहर निकाल दिया, फिर प्लस यहां पर भी अंडर रूट ये कॉस एक्स है, बस यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस साइन एक्स को आगे लिख दे रहा हूं अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये कॉस एक्स लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर ब्रैकेट लगाया इंटू डी एक्स लिख दिया, यहां तक कोई समस्या, मैंने डी एक्स मैंने इधर कॉमन ले लिया दोनों में था, जीरो से पाई बटे दो इधर कॉमन ले लिया, ये भी दोनों में था, ये आ गया, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब सवाल आपका लगभग हो चुका, ठीक है। ये आपका टू आई, टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बट्टे दो, फिर ब्रैकेट है, मैं नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये मैं एलसीएम ले ले रहा हूं, ठीक है, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये दोनों में बराबर दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर नीचे वाला जब सेम रहता है तो ऊपर वाले सेम टू सेम जुड़ जाएंगे, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा जुड़ गया, है ना। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है कि आप ऐसा समझे, एक एक करके मत काटना भाई, एक्स प्लस वाई है, नीचे भी आपका एक्स प्लस वाई है, यानी कि इस तरीके से पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। जैसे चार प्लस दो है, नीचे भी चार प्लस दो है, मतलब ये छह बट्टे छह और छह से छह कट गया, एक आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट से पूरा का पूरा कट गया, तो ऐसे ही इसको एक ब्रैकेट माने, इसको एक ब्रैकेट माने, तो पूरे से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये टू आई इजिकल टू जीरो से पाई बट्टे दो, यहाँ पर वन आ जाएगा इंटू डी एक्स, और वन का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आई वन का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो सीधे सीधे x आ जाएगी, जीरो से पाई बट्टे दो, यहां पर x की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू आई बराबर x की जगह पर पाई बट्टे दो माइनस जीरो, यानी कि टू आई इजिकल टू पाई बट्टे दो और i इजिकल टू पाई बट्टे फोर, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूफ पाई बट्टे फोर हमको लेकर आना था। आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से सवाल आपको करने होंगे, आगे वाले जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, सभी सवालों को हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझको बताइएगा, फिर मैं आगे एक और सवाल आपको कराता हूँ, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, मस्त वाला प्रश्न है, इसको भी करेंगे, चलिएगा, ठीक है। चलो उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे, ताकि इस वीडियो का आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स आए, ठीक है। इसको कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में आपके हम तीनों के तीनों सवालों को करा देंगे, जो पांच सवाल दिए थे ना वीडियो में वो वाले, ठीक है, तो अगली वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट की भी तैयारी अच्छे से हो सके। मैं मैथ का इतना वादा करता हूँ आपसे कि आप पूरे पेपर को छोड़ के नहीं आओगे, पूरे करोगे, ठीक है। चाहे